जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग एमएफएल इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में बात होगी कि आखिर इस कंपनी में तेजी क्यों नहीं बढ़ रही है। आखिर एक तरफ जो दूसरी छोटी कंपनियां हैं, चाहे वो बेक्सिया लाइफ केयर हो, चाहे वो विकास लाइफ केयर हो, या इन दिनों जीटीएल में भी देखेंगे तो तेजी बनती हुई दिख रही है। मतलब जहाँ एक तरफ जो दूसरी छोटी कंपनियाँ हैं, और चूंकि बात यह भी है कि इन दिनों स्टॉक मार्केट भी अपने बुलंदी पर तकरीबन ऑल टाइम हाई के आसपास है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में तेजी है, लेकिन उसके बावजूद एमएफएल इंडिया में आपको तेजी बनती हुई नहीं दिख रही है। तो इसके पीछे क्या वजह है, इसमें तेजी कब आएगी, ये मैं टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से भी और प्लस फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। और साथ में यह भी बताऊंगा कि किसी का इसमें इन्वेस्टमेंट है, कोई किसी ने नया इन्वेस्टमेंट किया है, या कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। देखिए अभी इसमें देखेंगे तो इसने तकरीबन 0.68 पैसे के आसपास अपना क्लोजिंग दिया है, तकरीबन 1.5% के आसपास गिरावट के साथ। ये मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में तकरीबन कितना गिरा है, 1.5% के आसपास। अब वहीं पर देखिए पिछले एक सप्ताह हम देखेंगे, यानी कि 5 दिन में, क्योंकि एक सप्ताह में 5 दिन ही मार्केट ओपन रहता है, तो एक सप्ताह हम देखें तकरीबन गिरावट सेम ही है। यानी कि पहले जहाँ 1.5% के टूट 1.5% टूटने में इसको एक सप्ताह का समय लगता था, अब उतना एक ही दिन में टूट जा रहा है। ये गलत चीज़ है। इसको यदि ये तेज़ी रहता तब बहुत अच्छा रहता, क्योंकि एक सप्ताह में जहाँ मान लीजिए इतना चढ़ रहा होता है, एक एक दिन में चढ़ जा रहा है, तो जो तेज़ी रहता तो इसके इन्वेस्टर को मज़ा आ जाता। लेकिन यहाँ पर गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। पिछले एक मंथ की बात करेंगे तो एक मंथ में स्टॉक तकरीबन 4.5% के आसपास टूटा है। ज़्यादातर देखेंगे तो स्टॉक आपको लोअर सर्किट में ही देखने को मिलेगा, यानी कि आपको पता है जब स्टॉक लोअर सर्किट में होता है, यदि उसका शेयर बाय किया हुआ है तो बेच कर निकालना चाहता है तो लोअर सर्किट में बेच के नहीं निकल सकता। यानी कि ये ई लिक्विड स्टॉक है। ई लिक्विड कहने का मतलब कि उसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होता, ज़्यादा उसमें वॉल्यूम नहीं होता, जिस वजह से निवेशक इसमें फंस जाते हैं। हालांकि फंसने वाली कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। इसमें पिछले 6 महीने का रिटर्न देखेंगे, 6 महीने में स्टॉक तकरीबन 35% के आसपास आपको टूटते हुए नजर आएगा। यहाँ पर पहले हम लोग एमएफएल इंडिया को टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से इसमें तेजी कब बनते हुए दिख रहा है, उसके बाद हम लोग इस कंपनी के काम और फंडामेंटल के बदलाव समझेंगे कि इसमें लंबी अवधि में कब तेजी बनेगी। तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसी कंपनी का चार्ट देखते हैं। तो अभी इस कंपनी का मैंने 1 साल का चार्ट ओपन किया हुआ है, और 1 साल के चार्ट पर जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी इसके लिए जो एक क्रूशियल जो जोन है, वो जोन है ये वाला एरिया जहाँ पर ये पिछले तकरीबन फरवरी 2023 से ही देखेंगे तो इस जोन में आके ये फंसा हुआ है। तकरीबन 80 पैसा से लेकर 60 पैसा का यह जोन है, और इसमें फरवरी से लेकर अभी तक स्टॉक देखेंगे तो कंसोलिडेट करते हुए आपको नजर आएगा। अब इसके लिए जरूरी है कि इस कंसोलिडेशन से स्टॉक या तो ऊपर निकल जाए या नीचे निकल जाए। हालांकि नीचे निकलेगा तो ये एक टेंशन देने वाली बात होगी जो जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट है, हालांकि उनके लिए काफी बेनिफिट होगा जो नया इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब चलिए मैं लंबी अवधि के चार्ट इसका ओपन करता हूं, उसमें देखता हूं कि पहले नीचे जाएगा तो नीचे कहां तक जा सकता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं 5 साल के चार्ट पर, और 5 साल के चार्ट पर देखेंगे कि ये वाला जो इसके लिए एक मेजर एरिया है जहां पर इसने काफी बार समय बिताया, तकरीबन 25 पैसे के आसपास का एरिया है। इससे जो जहाँ देखेंगे अक्टूबर 2021 से इसका प्राइस ऊपर उठना शुरू हुआ था, यानी कि अक्टूबर 2021 से इस कंपनी के अच्छे दिन आने शुरू हुए थे, इससे तो अभी इस कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर ही चल रहे हैं जो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने जो आपको ये वाला एरिया बताया जो कि 80 पैसा से लेकर 60 पैसा का इसका एरिया है, जहां पर यह स्टॉक पिछले फरवरी 2023 से लेकर अभी तक इसमें कंसोलिडेट करते हुए आपको नजर आ रहा है। तो यदि इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो यह आ सकता है इस लेवल के आसपास जो कि 50 पैसे के आसपास का एरिया है, और फिर क्या होगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट मारकर ऊपर उठेगा तो फिर 80 पैसा के लेवल को ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर जा सकता है सीधे 1 रुपये और फिर 1.5 रुपये के आसपास तक के लिए। मैंने आपको ये एरिया बताया था 80 पैसा से लेकर 60 पैसा के जो बीच में अभी स्टॉक ट्रेवल कर रहा है, नीचे निकलेगा तो 50 पैसा तक जाएगा, और 50 पैसा तक जाएगा तो इसमें जो नई न्यू बायर हैं जो इसमें नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें बाई कर सकते हैं जितना उनको रिस्क लेने की कैपेसिटी हो। और यदि ये ऊपर निकला तो ऊपर आ सकता है सबसे पहले ये जो एरिया है 1 रुपये के आसपास यहाँ तक आएगा, और इसके बाद सीधे फिर ये 1 रुपये 20 पैसा तक, और उसके बाद 1.5 रुपये तक जाते हुए स्टॉक दिख सकता है। तो जो इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए थोड़ा थोड़ा अपना क्वांटिटी यहाँ पे सेल करते चलेंगे जहाँ जहाँ पर भी इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से तो ये बात समझ में आती है कि या तो ये प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ये स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर आने बाकी हैं, क्वार्टर के नंबर आ जाएंगे जब क्वार्टर 4 का नंबर, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि इसका प्राइस कहाँ जाएगा। लेकिन जाएगा कहीं ना कहीं जरूर, आप क्वार्टर 4 के नंबर पर नज़र बना के रखिए, और ये नंबर मई लास्ट तक आने की संभावना है। अब देखिए कंपनी के काम के बारे में आपको अच्छे से पता है कि एमएफएल इंडिया जो कंपनी है ये कार्गो और लॉजिस्टिक बेस्ड कंपनी है। ये क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में जुड़ी हुई है। और फंडामेंटल की यदि जब हम बात करते हैं तो कंपनी का फंडामेंटल देखिए 25 करोड़ के आसपास, फंडामेंटल कुछ खास मजबूत है नहीं। और देखेंगे तो शेयर प्राइस, करंट बुक
वैल्यू से ऊपर है, यही एक बड़ी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी गायब है, जिससे आपको ये पता नहीं चलेगा कि कंपनी साल भर में आपको कितना रिटर्न निकाल कर दे सकती है। डिपेंड करता है कि इसका चार्ट जितना ऊपर चले जाए उतनी ये कंपनी आपको कमा कर दे सकती है। स्टॉक का पीई भी बहुत ठीक है, 12 के आसपास है, शेयर प्राइस 50 पैसे के आसपास आता है, वहाँ पर आप इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, नया बाई कर सकते हैं। तो MFL इंडिया के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। आपको बस नज़र बना के रखना है कंपनी के Q4 का नंबर आने पर, Q4 का नंबर पर ही इस कंपनी के आगे का भविष्य डिपेंड करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।